देखो बहन ने मुंह हटा, गंदा बच्चा, ऐसे नहीं करते। दोनों इधर आ जाओ जल्दी से। चल चल चल, तुबा को हॉस्पिटल लेके जाना है, रैशेज जैसे हो रहे हैं। मेरे ऐसा मारो थप्पड़ मुंह पे। मैं पूरा तो टाइम तो स्कूल उसमें चला जाता है, क्या बोलते पढ़ाई में, मेरे को तो कुछ खेलने का मूड ही नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 8, मैं उठ चुकी हूं और चीकू को भेजना है स्कूल। तो फटाफट उठ के सर उसका लंच रेडी करती हूं, फिर उसे नहलाती हूं और भेजती हूं स्कूल। तो यहां पे मैंने फ्रेश आटा गूंथ लिया, फ्रेश आटे की रोटी बना देती हूं फटाफट, रोटी ही परांठा बना लेती हूं। साथ में देने वाली हूं भिंडी, क्योंकि शाम को भिंडी बनी थी तो भिंडी उसको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि पहला आज मंडे के दिन उसको फर्स्ट लंच में परांठा और भिंडी दे देती हूं। तो यहां पे मैंने उसकी यूनिफॉर्म निकाल दिया फटाफट से, जो है उसके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। स्वेटर वो पहनने के लिए बड़ा नखरा करता है, पर स्वेटर पहना के भेजूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तब तक गीजर ऑन किया है, जब तक पानी गर्म होगा तब तक परांठे बना के और लंच पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिए हैं, खाना बनाते पहले दूध पिलाऊंगी, फिर उठाऊंगी, फिर नहलाऊंगी, ताकि वो पेट जो है इसका थोड़ा बहुत भरा रहे, वरना ये कुछ खा के जाता नहीं है, तो दूध पी के चला जाता तो ये संतुष्टि हो जाती है कि दूध पी रखा है उसने। तो मैं इसको हमेशा दूध में ना पीडियाश्योर डाल के देती हूँ, और पीडियाश्योर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, आप भी अपने बच्चों को जो है दे सकते हैं। 1 ईयर के बाद जो है पीडियाश्योर मैंने स्टार्ट कर दिया था चीकू को, इसी से जो है चीकू की हेल्थ जो है वो हमेशा ठीक रहती है और थोड़ा चबी चबी से भी लगता है क्योंकि वो पीडियाश्योर लेता है। तो मैंने भिंडी भी बाहर निकाल के रख दिया, फ्रिज में से निकाल के रख दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगी तब यही डाल के दूंगी ना मैं, इसे माइक्रोवेव में गर्म नहीं करूंगी। और साथ में केक भी मैंने निकाल दिया क्योंकि ये वाला जो केक है उसको बहुत फेवरेट है, तो मैंने सोचा है कि लंच में केक चॉकलेट और बनाना परांठा और सब्जी पैक करूंगी। तो फटाफट से मैं जो है गाइस परांठा बना देती हूँ, क्योंकि परांठे में जो है गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी उसे अच्छा लगता है, हल्का सा अंदर बटर लगाती हूँ जिससे ना क्रिस्पी रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो वो परांठा खा लेता है। सुबह सुबह ना चीकू के लिए परांठा बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको ना मेरे हाथ के परांठे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि उसे परांठे बनाती हूँ और उसे अच्छा लगता है खाने में। वो परांठा सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का ही खाता है, बाकी के हाथ का परांठा खाता है, ये तो शांति के हाथ का खाता है या मेरे हाथ का खाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती हूँ ना, इसीलिए उसने ना बीच में परांठे ले जाना बंद कर दिए थे, क्योंकि ना बीच में हमने जिम्मेदारी आंटी को दे दी थी, मैंने कहा आंटी आप बना के दे दिया करो, फिर लेकिन वो ना लंच पूरा खत्म नहीं करके आता था, रख के लिए आता था, छोड़ के आ जाता था, फिर वो पहचान लेता है मैंने बनाया किसी और ने बनाया, इसलिए मैंने बोला मैं ही बनाती हूँ आपके लिए परांठा, मेरे परांठे में शाम जब वो दोपहर में स्कूल से आएगा ना मैं आपको पूरा लंच दिखाऊंगी, पूरा परांठा खा के आता है। तो मैं इस तरीके से परांठा बनाती हूँ, चौरस स्क्वायर, अंदर घी डाल के स्क्वायर, और बहुत ही टेस्टी बनता है मेरे हाथ का परांठा। गोलू को भी पसंद है, इनको भी पसंद है, दोनों को पसंद है। मैं एक और चीज़ करती हूँ, परांठे में ना कभी भी पलोथन जो होता है ना, जो आटा होता है वो बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि आटा जब लगाते हैं ना तो रोटी में हाथ में लगता है वो, चीकू को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है वो परांठा जब खाता है ना तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता, इसलिए वो परांठा पूरा फिनिश करके आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको लंच पैक कर दिया, भिंडी और परांठा, साथ में मैंने रखा है आज केला, इसका फेवरेट चॉकोस और इसका केक। ये वाला बैग ना मैं तीसरी बार लेके आई हूँ, पहले बैग में आराम से लंच कर रहा था, बैग भी गंदा नहीं होता उसको, स्कूल बैग नहीं तो पहले बुक्स वगैरह सब कुछ खराब कर लेता था, अब जो है बिल्कुल आराम से लंच लेके जाता है। और साथ में मैंने ना उसको इसका ये भी देना लग गया एप्रन, एप्रन से क्या होता है इनके स्कूल में एप्रन पहन के ही बच्चे जो है लंच करते हैं, और ये एप्रन जब मैं इसका पहली बार स्कूल गया था ना तब लेके आई थी, अभी तक चल रहा है, क्योंकि एप्रन तो कपड़े का होता है, गंदा होता है, धुल जाता है। तो ये उसका केक खाने के लिए और ये उसका कुछ भी खाने के लिए, तो मैं 2 चम्मच इसके अंदर डालती हूँ, फॉर्क और स्पून दोनों। ये हो गया इसका पैक। तो यहाँ पे जो है पूरी तैयारी हो गई उसके नहाने की, यहाँ पे मैं पहले ही जो है टॉवल वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह रख लेती हूँ ताकि वो नहाते ही फटाफट कपड़े पहन ले। चीकू बच्चे 8:30 हो गए, खड़ो खड़ो बहू, चलो आओ, गुड मॉर्निंग बच्चे, खड़े हो चीकू, गुड मॉर्निंग। सुन तेरे लंच में पता क्या क्या पैक, ओ चीकू नेल्स कट करने, जल्दी खड़ा हो, नहा के मैं नेल्स कट करूंगी, खड़ा खड़ा हो। जादू चुबा चुबा मम्मा के पास आ गए, अनु भी आ गया भाई, दोनों भाई भाई आ गए। ये क्या कर रहे हो बहन के साथ? देखो बहन ने मुंह हटा, गंदा बच्चा, ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे दोनों पाले पाले बाबू मेरे पास आ गए हैं, एक और बाबू आ गया है, एक और बाबू आ गया है, तीनों बाबू सुबह सुबह उठी उठी करके आ गए हैं। सुंदरा बेटा, सुंदरा बाबू, सुंदरी बेटी, इधर आओ। हेयरबैंड, हेयरबैंड रखा है मैंने, संभाल के रखा है, हमेशा मैं संभाल के रखती हूँ, आप इधर उधर घूम देते हो, फिर मम्मा संभाल संभाल के रखती है।
है। क्या देख रहा है मेरी मछली? क्या देख रहा है चिकू मछला? पता नहीं, कंगी देख रहा है क्योंकि वो भी हेड राइट न बन जाए। हेड राइट न बन जाए। हाँ। अच्छा आपको मछली दिखाती हूँ, देखो मछली मछली। हाँ डिप्स मार लो, डिप्स मार लो। तो घर में कोई उठे ना उठे, ये तीनों जो बंदर है ना मेरे, तीनों जो बच्चे हैं ये उड़ जाते हैं भाई को। जूजू निकाल दिया। बाय बाय चिकू। लंच पूरा फिनिश करके आना, मम्मी ने बनाया। ठीक है। आयानो ये देखो दोनों भाई भाई मछली इधर इधर उधर लपक रहे हैं। नहीं आयानो उधर नहीं जाना, गिर जाओगे। क्या हो गया, कहाँ जाना है? छोई छोई करनी दोबारा। आपको एक काम करती हूँ, पाथा खिलाती हूँ, गम गम पाथा, घी वाला, घी की चूरी बना के। लकड़ी की ताती, ताती पे धोरा, धोरे की दुम पे जो मारा हथोरा, धोरा 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 गुम दबा के धोरा। चुंद्रु बाबू सुंदरी बेटी नुंद्रु बाबू। क्यों रोए रोए कर रहे हो भाई, क्यों रोए रोए कर? कहा जाना? दोनों इधर आ जाओ जल्दी से, इधर आ जाओ मम्मी के पास, नहीं तो गिर जाओगे। जल्दी इधर आओ। ओए आयान जैद, सुबह सुबह मम्मी को ऐसे परेशानी परेशानी नहीं करते, इधर आ जाओ दोनों। तो फ्रेश आटा मैंने सुबह सुबह गुना था, उसका मैंने जो है दोनों तीनों के लिए चूरी बनवाई है, चीनी डलवा के। मैंने कहा थोड़ी सी चीनी डाल के बनाना, क्योंकि नमक की चीज तो ये खाते ही खाते हैं, तो थोड़ी चीनी की चीज भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसको देखो जैद को, इसको ये खेल पसंद है ज्यादातर ना, जैद को और अयान को, दोनों को ये वाला गेम पसंद है। खुद ही अपना कपड़ा हटाते हैं, खुद ही अपना कपड़ा रखते हैं। अभी देखना अपना कपड़ा रखेगा अपने आप। ये देखो अभी और रखेगा। जादू बच्चा सोना गुग्गा, मुझे देख के पूरी स्माइल करता है। सोना गुग्गा मिला पाला बेटा, आजा 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 मम्मा के पास, आजा आजा आजा। आप क्यों चिढ़ रही हो, भैया के साथ खेल रही हूँ मैं, आपको तो गोदी में ले रखा है ना। ये जो है पराठा बन के आया हमारे गब्बूस के लिए, हमारे गब्बूस के लिए, गबीश के लिए। खुश हो गया लड़का, देखो पराठा आ गया, खुश हो गया कि पराठा खा के फिर आराम से सोऊंगा, अभी खेल लेता हूँ। इधर आ जाओ। मम्मा जी ननाज हो गई तू, मम्मा जी ननाज हो गई। मम्मा ने टूबा को लिया, आपको नहीं लिया। चल 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 चल। तो भाई तीनों बच्चों की पेट पूजा करवा दी है, अब तीनों बच्चों को जो है सुला देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ एक घंटा, फिर उठ के करूंगी सारे काम जो जो होंगे आज के काम। और एक बार ना तूबा को हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि इसका ना पूरी बॉडी में रैशेज जैसे हो रहे हैं, मेरे को दिखाना है कि क्या है क्या नहीं है। तो उठते ही पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, उसके बाद जो भी है बाकी का काम करूंगी। मुझे एक चीज और सजेस्ट करना है, जैसे कि हम रोटी की चूरी बना के दे रहे हैं बच्चों को, खिचड़ी दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, प्यूरी दे रहे हैं, और इनको क्या क्या दे सकते हैं। दूध में जो बिस्किट है वो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं कि दूध में बिस्किट भिगा के बच्चों को नहीं देना चाहिए, तो वो हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। बाकी सारी जो चीजें होती है वो सब दे रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी तरफ से मुझे कमेंट करके बताना कि और क्या क्या है इनकी डाइट में जो है हम दे सकते हैं। तो अभी जो है बच्चे हमारे पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, जो दूध में पानी को डिल्यूट करके देते हैं ना गाय वाले में, बस वही पानी देते हैं, अदरवाइज अलग से कोई पानी नहीं देते। तो मुझे सजेस्ट करना कि पानी और नमक, हल्का सा वो काला नमक देती हूँ मैं, और जो हम लोग नमक खाते हैं वो वाला नमक नहीं देती हूँ बच्चों को। और आज मैंने पहली बार जो है इनको चीनी दी है, शुगर दी है, उसमें परांठे के अंदर मिक्स करके चूरी बना के वो दी है। तुब्बा बेटा तुब्बू थोड़ी सी ना मुझे सुस्त से लग रही है, तो आज कुछ भी करके ना, ये देखो सुस्त हो रखी है, बहुत ज्यादा सुस्त हो रखी है। तो मैं जा रही हूँ नहाने, फटाफट नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। हनुमान जी ने बोला था कि आज निकलना है वृंदावन के लिए, तो सारी पैकिंग वगैरह जो हमने रात को नहीं करी थी वो भी करेंगे। सामान तो सारा ले आए थे, बस उसे पैकिंग करना है। दो बच्चे नहा चुके हैं, जैद और आया नहा चुके हैं, तो बनाने गई है, तब तक मैं भी नहा के आ जाऊंगी और मिलती हूँ नहाने के बाद। तो कल ये दो जो सूट है ना, ये दो सूट हम लेके आए थे श्री से, और ये सूट अभी मुझे पैक करने हैं, क्योंकि ये हम पहनने वाले वृंदावन में। और एक पार्सल मेरा बहुत बड़ा पार्सल आके रखा हुआ है, ये पार्सल मैं खोलूंगी। गोलू भी सो रही है, क्योंकि गोलू को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा मैं खुद ही भेज दूंगी, जीकू को इतना काम तो होता नहीं है, तो मैंने कहा वो सोती रहेगी और मैं इतने नहा धो के रेडी होकर पूजा कर लूंगी, फिर दोनों एक साथ मिलके जो है पैकिंग कर लेंगे। शांति ने बोला आज वो लेट आएगी, 1-2 बजे के करीब आएगी, उसके सर में दर्द था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी जो कर लेती हूं। तो यहां पे ना मैंने सारे वो ड्राई फ्रूट पिन्नी और मैंने जो पंजीरी बनाई थी, और अभी एक चीज रह गई है, मैंने जो चक्की बनाई थी वो चक्की मैंने अभी नहीं डाली, वो चक्की मैंने सेट करने के लिए ना ट्रे में ही रखी हुई है, क्योंकि वो जब सेट हो जाएगी फिर पीसेस में अच्छे से कटेगी, काटने के बाद मैं यहाँ पे बॉक्स में रखूंगी। तो सामने बड़ा रहता है ना इंसान जब बैठता है सोफे पे ना, इधर उधर कुछ खाने की जगह यहीं से डब्बे में से निकाल निकाल के खा लेगा, इसलिए मैंने डब्बे में रख दिया सारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बिफोर जिम डाइट, प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट तो इसमें है मेरे पास
ये वाले ओट्स, कुकर ओट्स और साथ में हल्का दूध। इसमें मैंने प्रोटीन डाला है, प्रोटीन को मैंने मिक्सी में वो कर लिया है ताकि गाठे ना बने। इसको ठंडा करूंगी, इसके बाद इसमें प्रोटीन मिक्स करूंगी, फिर एक बनाना लूंगी, बनाने को पतला पतला बारीक बारीक चॉप करूंगी, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूंगी। ये हम जिम जाने से पहले खाते हैं। तो गाइस बहुत दिन से ना हमारा जिम का जो रूटीन था ना वो डिले हो गया था, क्योंकि हम लोग ट्रिप पे थे, फिर उसके बाद घर के फंक्शंस हो गए थे, बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो अब क्या हम रेगुलर जिम जाएंगे, मैं पायल और चीकू के पापा, क्योंकि क्या है सर्दियों में ना वेट बहुत जल्दी गेन होता है, तो अपने वेट को मेंटेन करने के लिए डाइट तो हम कर ही रहे हैं। मैं पायल चीकू पापा डाइट तो करते हैं, बस साथ साथ जिम भी करेंगे। मैंने बनाना पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे जो ओट्स हैं वो ठंडे हो रहे हैं, जैसे ये ठंडे हो जाएंगे इसमें मैं प्रोटीन मिक्स करूंगी, फिर बनाना मिक्स करूंगी, थोड़े से मैंने काजू और किशमिश लिया। तो गाइस अभी बच गए सुबह के 11 और चीकू के पापा पायल और तूबा गए हॉस्पिटल, क्योंकि ना 4-5 दिन से ना तूबा को ना बॉडी में ना बहुत छोटे छोटे दाने से हो रहे हैं, और वो जो दाने ना वो बढ़ चुके हैं। पहले पेट पे थे तो हमें लगा शायद वो गर्म कपड़ों की वजह से हुए, बट फिर वो पैरों पे भी आ गए, फिर वो फेस पे भी आ गए, बैक पे भी आ गए। तो पायल गए डॉक्टर को कंसर्न करने के लिए, और साथ ही साथ ना मैंने तूबा को वैक्सीनेशन लगवा दी थी उस दिन। अयान और जैद की वैक्सीनेशन पेंडिंग है, वो रह गई थी, तो मैं जाऊंगी शाम को बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने। तो गाइस ये है मेरी मॉर्निंग की मील। तो इसमें क्या है मैं बता देती हूँ, मैंने सबसे पहले रोलिंग ओट्स लिए है, थोड़ा सा दूध लिया है, उसमें रोलिंग ओट्स को पकाया है, उसे ठंडा करने के बाद 1 स्कूप प्रोटीन डाला है, उसके ऊपर काजू बादाम किशमिश डाली है, और वो मैं खा रही हूँ। थोड़ा सा मतलब कि ना ये खाना मुश्किल होता है, अभी मैंने थोड़ा सा खाया था, इसको बचा के रखती हूँ, क्योंकि ना मेरे साथ क्या है इसमें इतना सारा खाना ना एक बार में नहीं खा पाती, अभी मैं धीरे धीरे ना कम खाना खा रही हूँ, तो मेरी जो क्वांटिटी है ना वो भी कम हो गई। पहले से कल पायल ने मुझे बोला कि गोलू तेरा फेस भी पहले से छोटा हो गया, शायद कैमरे में लगता होगा कि मेरा फेस बड़ा है, पर जब भी कोई हमें मिलता है ना सब्सक्राइब तो बोलते हैं कि आप कैमरे में बड़े लगते हो, वैसे आप बहुत छोटे लगते हो। तो यहाँ पे टेबल पे पायल ने सब कुछ रख दिया, बिस्किट बादाम काजू पंजीरी और पेड़े और ड्राई फ्रूट्स का चूरा सब कुछ रख दिया, क्योंकि क्या होता है ना सामने चीज पड़ी रहती है ना तो सब खा लेते हैं, हम अंदर रखते हैं ना किचन में ड्रॉर में तो आलस आता है निकालने का, यहाँ पे पड़ी है कोई भी आएगा और खा सकता है, और ये चीज लग भी जाती है और वेस्ट नहीं होती। तो जैद को कल से डब्बा इतना पसंद आ गया ना, डब्बे से खेल रहा है, और अयान खेलता है टोकरी से, ये सारी टोकरियां पसंद है इसको, और इसको पसंद है डब्बा, इसका डब्बा छीन लिया निकी ने, अभी छोटा है ना पता नहीं चल रहा है। बच्चों को ना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें पसंद है, ऐसे चम्मच दे दो, करछी दे दो, बेलन दे दो, मतलब जो चीज सबसे डिफरेंट है ना वो दे दो, टॉयज ऐसे पड़े हैं। तो बस अभी चीकू के पापा को कॉल किया और पूछा तूबा का, और उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि ना तूबा को थोड़ी सी एलर्जी हो गई है, शायद उसकी वजह से उसको दाने हो रहे हैं, दवाई लिख कर दी है, और बस अभी क्या बच्चों को खिला दी खिचड़ी। मैंने खिचड़ी बनाई थी सबके लिए, मैंने चीकू के पापा के लिए, पायल के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बनाई थी, बस अभी तूबा आती है तो फिर उसको खिलाती हूँ। तो शांति आज लेट आई है, क्यों शांति? दीदी मेरा सिर दर्द कर, तो आई क्यों घर पे रेस्ट कर लेती? फिर मैं कहीं मन भी नहीं लग रहा था, जैसे ठीक हुआ फटाफट भाग गई। मैं कहीं जा रही हूँ काम पे। वेलकम बेटा, वेलकम होम। दो मेरे को सारी दवाई दो, दो तुम चल जाओ पीछे। अरे नहीं मैं नहीं जा रहा, दो दोनों दवाई। क्या नहीं जा रहा? ऐसा मारो थप्पड़ मुंह पे, ड्रामा मत करिए बिल्कुल भी। कोई काम ही नहीं है बस। क्या काम नहीं है? मम्मा पूरा तो टाइम तो स्कूल उसमें चला जाता है, क्या बोलते पढ़ाई में, मेरे को तो कुछ खेलने